दिल्ली में केजरीवाल को झाड़ू लगाए अभी ज्यादा दिन नहीं हुए थे। केजरीवाल की सोच और रणनीति ने शीला दीक्षित जैसे दिग्गज को भी दिल्ली से बाहर कर दिया। राजकुमार चौहान जैसे दिग्गजों को केजरीवाल की राखी ने घर बैठा दिया। असर यह कि लोकसभा चुनाव में उड़न खटोलों का इस्तेमाल कम हो रहा है और नेता जमीन पर है। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली में केजरीवाल का ऐसा तूफान चला कि 60 सालों से चली आ रही राजनीति की फिजा ही बदल गई। हवाबाज नेता जमीन पर आ गए। ऐसा लगा कि सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी की तर्ज पर सोचने को मजबूर हो गई है। इन इलेक्शंस के माध्यम से जनता ने हमें एक मैसेज दिया है और उस मैसेज को मैंने और कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ दिमाग से नहीं मगर दिल से सुना है। केजरीवाल की आंधी ने देश में राजनीति में गहरे तक जमी जड़े उखाड़ कर रख दी। मोदी राहुल जैसे बड़े बड़े नेता ही नहीं, छोटे नेता भी केजरीवाल के रंग में रंग गए। हवाई जहाज में सफर करने वाले नेताजी ट्रेन में आ गए। एसी में बैठकर राजनीति करने वाले नेता जनता के बीच जाकर पसीना बहाने लगे। केजरीवाल के करिश्मे ने राहुल को जनता के बीच पहुंचा दिया तो मोदी चुनावी चाय पिला पिलाकर लोगों से वोट मांगने लगे। उनको लगता है कि फलाना नेता या फलानी पार्टी के बड़े नेता करप्ट हैं या इनको इनकी पार्टी के बड़े नेताओं को लोकसभा में जाने से रोकना चाहिए, तो उनको लड़ना चाहिए। और अच्छी बात है, ये जो सहजता की राजनीति है कि आप हमारे लिए सहज रहिए हम आपके लिए सहज रहे, ये ठीक नहीं है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में बिजली के दाम कम करने के लिए कांग्रेस सांसद संजय निरुपम ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ बिगुल बजा दिया। अरविंद केजरीवाल की हिम्मत ने जनता के लिए बड़े बड़े नेताओं की सोच बदल कर रख दी। सादगी की राजनीति के लिए लोग दिखावा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जब अरविंद केजरीवाल ने और हम लोगों ने मिनिस्ट्री में जाके ये तय किया कि हम कोई लाल बत्ती नहीं लेंगे, तो सादगी की राजनीति के तहत इन लोगों ने भी अपनी गाड़ियों के 50-50 गाड़ियों के काफिलों को कम किया। तो ये सारी चीजें हैं जो राजनीति में बदलाव आ रहे हैं और हम खुश हैं कि ये आ रहे हैं। ये सही मायने में लोकतंत्र में लोगों की जीत है। केजरीवाल ने राजनीति के उस पहिए को पंचर कर दिया जिसकी गाड़ी पर सवार होकर हर चुनाव में पार्टियां जनता को बेवकूफ बनाने निकल पड़ती थी। समय के लिए हेमंत उपाध्याय जी, ये वाकई एक असर है या ये पहले भी होता रहा और अब भी ये है, लेकिन इस बार ये ज्यादा देखा जा रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी का चश्मा लोगों की निगाहों में चढ़ा हुआ है। अलका जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं और असल में मेरी साथी हैं इस चर्चा को आगे बढ़ाने में, लेकिन इस एक मुद्दे पर उनके ख्याल अलग है, उनको भी मेहमान मानते हुए उनसे सवाल हम करेंगे, लेकिन उसके पहले आप इस मुद्दे पर क्या सोच रखती हैं? नहीं, जहां तक तौर तरीकों में बदलाव की बात है तो वो तो आम आदमी ने थोड़ा उसको बदला है और वो बाकी पार्टियों को भी मजबूर किया कि वो अपने तरीके बदले, लोगों से डायरेक्ट जाकर इंटरेक्शन करें, कम्युनिकेशन करें, बातें करें, उनसे पूछे, नहीं तो बहुत दूरी हो गई थी नेताओं में और जनता के बीच में, उसको बदला है आम आदमी पार्टी ने। लेकिन अजय आपको तो जरूर याद होगा, लंबे समय से रिपोर्टिंग हम लोग कर रहे हैं और दो दिन तो बाद में करना ही पड़ता है, डोर टू डोर ही अलाउ होता है कैंपेन करना, लेकिन इंदिरा गांधी के जमाने से मैं देखती हूँ कि घर घर जाने का डोर टू डोर का रिवाज था ही और एक्सपेक्ट करते थे, गली में बच्चे आ जाते थे और वो सब लेकर के वो चिराग और जो भी उनके उनके पार्टियों के चुनाव चिन्ह होते थे उसके बल्ले बैज लगा लगा कर गलियों में घूमते थे और आते थे और घर घर दरवाजा खटखटा के एक एक चाय पीते थे, पानी पीते थे। तो मुझे तो लगता है कि ट्रेडिशनल वे वही था। 80 के बाद भी अगर आप देखिए तो करीब ये पिछले कुछ सालों की बात है जिसमें कि ये हुआ है कि डोर टू डोर जो कैंपेन होता था वो रुक गया, नहीं तो उसके पहले तो सारे राजनीतिक दल, वो लेफ्ट या राइट आप जो भी ले लीजिए, सारे दल जाते थे और लोगों से बात करते थे। ये पिछले कुछ साल की बात है जिसमें कि ये दूरी ज्यादा बढ़ती गई है और उसी लिए लोगों का रिएक्शन हुआ और आम आदमी पार्टी का जो उससे वो निकली तो वो एक अच्छा ट्रेंड लगा। तो अलका जी का सवाल नॉस्टैल्जिया में है और अजय जी भी बीते दिनों की बात करके यहां पर अपने संस्मरण जैसे सुना रहे हैं, लेकिन अब ये संस्मरण ही रह गए थे। अगर आप ये देखें पिछले 20-25 सालों में राज ये बहुत कम हो गया था, ज्यादातर अभी इसके पहले आप देख लें असेंबली इलेक्शंस गुजरात की आप बात कर लें, खुद मोदी ने जो चुनाव प्रचार किया था वो ये किया था कि एक जगह मौजूद थे और पांच और दूसरी जगहों पर स्क्रीन पर दिख रहे थे और लोग संबोधित हो रहे थे। इस बार तो अब चाय पर चर्चा हो रही है, ये क्या ये बदलता हुआ तौर तरीके तो बदलेंगे क्या इसके लिए आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे पास अगर माध्यम है तो मैं उसका प्रयोग करूंगा। अगर मैं गली गली जाता हूं, घर घर जाता हूं, लोगों से मिलता हूं, मैं एक घंटे में कितने लोगों से मिल सकता हूं?
इसकी अगर तुलना करें आप इससे कि एक 25 जगह वो स्क्रीन पे मौजूद है या गूगल हैंगआउट पे है और हजारों लोगों से एक साथ सवाल जवाब हो रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? अब राहुल को देख लीजिए गोपाल, कितने सारे लोगों से जाके इस बार उन्होंने मुलाकात की, कहा 10,000 लोगों से पूछ के तो मैंने मैनिफेस्टो बनाया है। ये पहले होता था? नहीं, पहले नहीं होता था। ये तो आम आदमी पार्टी का कंट्रीब्यूशन है कि पूछ करके मैनिफेस्टो बनाना। और दूसरा कि रथ और एसयूवी चल रहे थे, एयर कंडीशन रथ चल रहे थे और एसयूवी चल रहे थे, वो ट्रेंड बदला है। ये बहादुर शाह जफर के शब्दों में कहें कि हवा जो गई है पलट यक ब यक। लोगों को अच्छा भी लग रहा है, मतदाताओं को, कि नेताओं नेता लोग जमीन पर उतर आए। एक चीज और हुई है इसमें, मैं एक मिनट कह रहा हूं कि एक दिखावे की राजनीति की बीच बहुत जबरदस्त शुरुआत हो गई है कि मैं वो दिखाऊंगा जो मैं हूं नहीं। चलिए तो लेकिन क्या 80 और 90 के दशक में दूरियां बढ़ गई थी। हम आम आदमी और नेता का रिश्ता सिर्फ एक विजल स्टॉप रोड शो के दौरान हुआ करता था। हम लोग जानना चाहते हैं, अब टाइम एकदम नहीं है, कि ये गूगल हैंड आउट जो भी है, क्या ये भी आम आदमी पार्टी का ही असर नहीं है? क्या उनकी वजह से इस तरफ का भी रास्ता लोगों ने नहीं देखा? सोशल मीडिया भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादा पहले से इस्तेमाल किया। चलिए अब आइए निष्कर्ष की तरफ बढ़े, वक्त बिल्कुल नहीं है, और एक एक कर ये समझें कि आज की इस चर्चा के बाद हमारे मेहमान किस निष्कर्ष की तरफ बढ़े हैं। सबसे पहले पूर्णिमा जी का रुख करें। अगर हम ये सोचे कि ये आम आदमी पार्टी बहुत सारी सीटें जीत के आएगी और तभी उसकी जीत मानी जाएगी, तो वो गलत होगा। तौर तरीकों में बदलाव, दूसरी पार्टियों को अपने रवैये में बदलाव, ये फोर्स कर दिया आम आदमी पार्टी ने और ये उनकी जीत होगी। तो हम कह सकते हैं कि जंग से पहले जीत हो गई उनकी, उनकी चित भी मेरी पट भी मेरी, जीते तो जीते ही, हारेंगे तो भी कई तरह से उनकी जीत हुई है। गोपाल, मैदाने जंग में बड़े सही नीयत से उतरे हैं सब और जनता भी देख रही है। जीत और हार सत्याग्रह, वो कहते हैं, गांधी जी कहते थे कि सत्याग्रही की कभी हार नहीं होती है। ये भी हार रहेंगे नहीं, इनके कैंडिडेट्स देर सवेर जीतेंगे, अभी शुरुआत हुई है और अभी झांकी है, अभी बहुत कुछ बाकी। राज आप बताइए, आप देखिए शुरुआत में दिनेश ने और आपने कहा था कि ये नैतिक जीत हुई क्या इनकी, या क्या ये चुनाव के पहले ही जीत हो गई? अब नैतिकता इनकी जो है वो मैं दो लाइन में बयान कर देता हूँ कि झूठ हम बोलते नहीं, सच में हमारा विश्वास नहीं। ये आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का मेरे विचार से कहना है। अजय, आपके विचार? हमें ऐसा लगता है कि एक अच्छा अवसर था जो इन्होंने खो दिया। चलिए तो कुल मिला दिनेश, ऐसा आप भी कह सकते हैं कि कुछ चीजों पर एग्री करते हैं, कुछ चीजों पर हम नहीं भी करते हैं, लेकिन आने से आम आदमी पार्टी के दिलचस्प ये चुनाव हो गया और कहीं ना कहीं किलिंग स्पिरिट ज्यादा आ गई। असर हुआ है, वो किस इंटेंसिटी का हुआ है ये बहस हो सकती है। ये भी बहस हो सकती है कि जिस असर को लेकर वो चले थे वो बहुत बड़ा असर होता है, लेकिन कहीं क्या उनमें सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाला मोड आ गया है। ये तमाम बहस के मुद्दे हैं, लेकिन उनकी वजह से इस बार चुनाव की रंगत बदली है और लोगों को वो रास आ रही है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। आज निष्कर्ष में आपसे चाहिए होगी इजाजत। हमारे मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। कल फिर एक अहम मुद्दा और उस पर बातचीत।